उसी माध्यम में क्या करता है, पुनः मुड़ जाता है, जिस माध्यम से यह आता है इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ बात करते हैं, यह यहाँ पे बिंदु दिया गया, ये क्या होता है, आपतन आपतन कोण होता है, ये क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, ये कौन सी किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ये क्या होता है, आपतित किरण होता है, ये क्या। वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ बात करते हैं हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, और यहाँ पर वस्तु के पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु को परिवर्तित कर देती है, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। यह परिवर्तित किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु की आंखों के द्वारा देखने के योग्य बनाता है। जो प्रकाश होता है किसी वस्तु जब पड़ता है ना, वो हमारी आंखों को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और यहाँ बात करते हैं प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधे एक सरल रेखा में होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो यह सीधे एक सरल रेखा होता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ पर छाया की बात करते हैं। यहाँ पर इसकी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को क्या करता है, परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। क्या बनती है, अपारदर्शी वस्तु की क्या बनती है, छाया बनती है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन की बात करते हैं। यदि प्रकाश के रास्ते में रखिए, यहाँ पे रखिए रखिए अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है, इसके किनारों के ऊपर मुड़ने की प्रवृत्ति को दिखाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर क्लास टेंथ के लिए, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, उसी माध्यम में क्या करता है, पुनः मुड़ जाता है, जिस माध्यम से यह आता है इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ बात करते हैं, यह यहाँ पे बिंदु दिया गया, ये क्या होता है, आपतन आपतन कोण होता है, ये क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, ये कौन सी किरण होती है, ये परावर्तित किरण होती है, ये क्या होता है, अभिलंब होता है, ये क्या होता है, आपतित किरण होता है, ये क्या होता है, आपतित किरण होता है। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, प्रकाश का जो परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से ही होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं, इसको देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर है कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर, जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण क्या होता है, समान होता है। यहाँ दूसरे पॉइंट बताया गया है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और यहाँ परावर्तित किरण एक ही तल पर होता है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और यहाँ परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। नोट पॉइंट बताया गया है, परावर्तन का यह नियम गोली दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है, परावर्तन का यह नियम गोली दर्पण सहित सभी पृष्ठों पर लागू होता है। इसके बारे में बताया गया है, परावर्तन के परावर्तन दो प्रकार का होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब बात कर लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है, यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम से होकर किसी माध्यम से में से होकर जाता है, यहाँ तो समांतर प्रकाश पुंज एक चिकनी पाली से की गई सतह से टकराने के बाद इसमें एक यहाँ समांतर पुंज के रूप में किसी निश्चित दूसरी दिशा में निकलता है, इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ये क्या चिकना यहाँ पृष्ठ यहाँ पर इसे टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा, नियमित परावर्तन होगा। अनियमित और विसरित परावर्तन की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ समांतर प्रकाश पुंज एक खुदरे सतह से टकराने के बाद प्रकाश के सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन क्या होता है, इसको देखते हैं। यहाँ पर चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पहले पॉइंट बताया गया, खुदरे सतह से होने वाले पर यह विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर सभी परावर्तित किरणों को एक दूसरे को समांतर होती हैं, सभी परावर्तित किरण एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। तीसरे पॉइंट बताया गया है, प्रकाश की किरण एक ही दिशा में होती हैं, परावर्तन किरण एक ही दिशा में होती है। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर
यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे क्या आपतित किरण आती है, ये क्या हो रहा है परावर्तित हो जा रही है। ये क्या होता है आपतन कोण होता है, इधर क्या होता है आपतन कोण, ये परावर्तन कोण होता है। ये यहाँ क्या है अभिलंब है। जो परावर्तन का नियम होता है दो नियम होते हैं यहाँ पर, प्रथम नियम की बात करते हैं यहाँ पर, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल पर होते हैं, तीनों क्या होते हैं एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब क्या तीनों एक ही तल पर हैं। दूसरे नियम में बताया गया आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सदैव क्या होता है बराबर होता है। कोण आई बराबर क्या होगा कोण आर, कोण आई बराबर क्या होगा कोण आर। आपतन कोण बराबर क्या होगा आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। आपतन कोण परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। परावर्तन कोण क्या होता है परावर्तित किरण अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब की बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का निम्न विशेषताएं होती हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब निम्न विशेषताएं होती हैं। पहले पॉइंट बात कर लेते हैं, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव क्या होती बराबर होगी। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव क्या होगी बराबर होगी। दूसरे पॉइंट बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है सीधा और आभासी होता है। तीसरे पॉइंट बताया गया है, इसको पर्दे पर नहीं किया जा सकता, इसको पर्दे पर नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताया गया। चौथे पॉइंट बात करते हैं, आकार में प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार में ही होगा, इसके बारे में बताया गया है। पार्श्व परावर्तन की बात करते हैं, प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग दिखाई देता है तथा बायां भाग दायां भाग दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, यदि कागज पर पी लिखकर समतल दर्पण की ओर करते हैं तो दर्पण में दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। यदि हम इसे पी लिखें यहाँ पर, इसे देखेंगे किस में दिखाई देगा, यहाँ पर पी जो होगा हमें क्या होगा पार्श्व परावर्तन दिखाई देगा। यहाँ पर दर्पण क्या होता है इसको बात कर लेते हैं। यहाँ पर यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहले पॉइंट बात कर लेते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा और सपाट होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ सीधा तथा सपाट होता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण को उपयोग की बात करते हैं, समतल दर्पण इसका उपयोग घरों के चेहरे देखने के लिए किया जाता है। जो समतल दर्पण होता है ना इसका उपयोग घर में चेहरे देखने के लिए किया जाता है। दूसरे पॉइंट बात कर लेते हैं, सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है तथा दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनता है जितनी दूरी बिंब की दर्पण के सामने रखा होता है। अब बात कर लेते हैं गोली दर्पण क्या होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र मुड़ा हुआ होता है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के अंदर या बाहर की ओर क्या होता है वक्रित होता है, उसके बारे में बताया गया है। परिभाषा हम देख लेते हैं यहां पर, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। इसकी वक्रता के आधार पर गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है इसको देख लेते हैं। गोली दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उत्तर दर्पण और अवतर दर्पण। यहां बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है ये वाला जो ये चित्र बना हुआ ये उत्तर दर्पण होगा, ये कौन सा होगा यहाँ पर अवतार दर्पण, ये यहाँ बिंदु क्या होगा वक्ता बिंदु होगा। यहाँ पर गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तर दर्पण और अवतार दर्पण। अवतार दर्पण की बात करते हैं यहाँ पर, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र को वक्रित हो अवतार दर्पण कहलाता है। दूसरे पॉइंट बात कर लेते हैं, उत्तर दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तर दर्पण कहलाता है। ये किसका चित्र है यहाँ पर, उत्तर दर्पण का, यहाँ अवतार दर्पण का है, ये उत्तर दर्पण का है। यहाँ पर ये क्या बाहरी उभरा हुआ भाग है, ये अंदर की ओर होता है। यहाँ पर यहाँ बात करें वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण का वह केंद्र बिंदु को वक्रता बिंदु या वक्रता केंद्र कहते हैं जिसे शीशे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव गोली दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ केंद्र के दर्पण को ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर यहाँ अब बात करें इसे पीछे प्रदर्शित करते हैं, चित्र दिया गया वक्रता त्रिज्या की बात कर लेते हैं। गोली दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ केंद्र व ध्रुव के गोली दर्पण केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव व वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष की बात करते हैं, गोली दर्पण का प्रावर्तक पृष्ठ का केंद्र पी व यहाँ गोली दर्पण केंद्र सी से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया। यहाँ अगले पॉइंट बात करते हैं फोकस बिंदु, यहाँ पर मुख्य फोकस, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस मुख्य फोकस बिंदु कहा जाता है, जिसे आपसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बारे में बताया गया है फोकस दूरी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर गोली दर्पण का ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी को आपसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पूरे पॉइंट यहाँ दिया गया है, यहाँ इसको देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे एक पार्ट इसका दूसरा अपलोड कर देंगे। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।